नमस्कार, अभी मैं लखनऊ में हूँ और मेरे पीछे जो आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी ये 2018 के बैच सरकारी कर्मचारी हैं। 2908 शिक्षकों को न्याय की ये लोग मांग कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, पिछले 5 साल भी रही है और फिर दोबारा वो सत्ता में आए हैं। शिक्षा की बात होती है तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं शिक्षा मंत्रियों द्वारा, शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जब आप हकीकत देखेंगे तो आपको रोड पर खड़े यहाँ उत्तर प्रदेश के टीचर मिलेंगे, वो अपने न्याय की भीख मांगते आपको मिल जाएंगे। इनको मेरे समझ से गर्मी की छुट्टी हो गई है। अगर इनका सही तरीका से शेड्यूल रहता तो ये अपने परिवार में छुट्टियाँ मनाते, क्योंकि विद्यालय ऐसी चीज़ है कि वो हमेशा इनको विद्यालय समय से पहुँचना अनिवार्य होता है और विभाग की तरह इनको छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं ज़्यादा। गर्मी की छुट्टियाँ इनको परिवार में रहना चाहिए, लेकिन ये आज लखनऊ में धरना दे रहे हैं। आपके साथ छोटी सी बच्ची है, क्या नाम है आपका? शशि प्रभा सिंह नाम। कहाँ से आई हैं आप? फिरोजाबाद से। क्या समस्या है आपकी? समस्या सर हमारी यही समस्या है, हम रिलीविंग चाहते हैं अपने कार्य सबसे मंत्री जी से बैठे हैं, जब से कह रहे हैं कितने दिनों से यहाँ धरना चल रहा है, लेकिन हम लोग का दिशा निर्देश आवंटित हुआ जब से जिला मिल गया है, लेकिन रिलीविंग के लिए बैठे हुए हैं। बस एक कदम और इन लोग को काम करना है, हम लोग फिर अपने से नए सिरे से अपना काम शुरू करेंगे। फिर काम में भी रहना है हम लोगों को, हमेशा से लगे रहना है, टाइम से आना है, टाइम से रहना है। सरकार तो बड़े बड़े दावा करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन आप महिला होकर एक छोटी सी बच्ची के साथ आप लखनऊ आई हैं। हाँ, कि 4 साल पहले 2018 में जो भर्ती हुई थी उसके तहत हम लोगों को गलत मेरिट हाई होने के बावजूद भी हम लोगों को दूर दराज 800-800 किलोमीटर जिलों में डाल दिया गया। उसके बाद चलिए हम मानते हैं उनसे गलती हुई, उसके बाद हम कोर्ट गए, न्याय मिला हम लोगों को, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का ऑर्डर है और उसमें हमें न्याय मिला कि सभी को अपने अपने मतलब शासन ने अपनी गलती भी मानी, मंजूर भी किया कि हाँ हमसे गलती हुई। उसके बाद हम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए, ऑर्डर के बाद जैसे तैसे ऑर्डर आने के 1 साल बाद भी, समझ लीजिए ऑर्डर आने के बाद जैसे तैसे उन्होंने लिस्ट निकाली, उन्होंने अपनी गलती मान के हमको सही जो जहां हम होने चाहिए थे, हमें डिस्ट्रिक्ट जो मिलना चाहिए था वो दिया, बट उसके बाद अब वो रिलीविंग नहीं देना चाह रहे हैं। जब इनकी बात आप सुनेंगे तो 2018 से हम लोग चार साल से पीड़ित हैं। क्यों हम लोग मतलब नंबर हम लोगों के अच्छे थे, हमसे कम मेरिट वाले अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहे हैं और हम लोग फिर भी पहले तो हमारी सुनी नहीं गई। जैसे तैसे हम लोगों को न्याय मिला, न्याय मिलने के बावजूद भी इस तरीके से हमको मतलब मानसिक प्रताड़ना ही है ये कि हमको न्याय मिल गया, उसके बाद भी हम लोगों को अभी तक न्याय कोर्ट से मिल चुका पर सचिव साहब नहीं देना चाह रहे हैं, रिलीविंग नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे तैसे लिस्ट निकली है, कम से कम रिलीविंग तो अब कर दिया जाए। जब लिस्ट निकाल दिया आपने, सारा काम हो चुका है, बस रिलीविंग नहीं कर रहे हैं, मतलब परेशान करना है यही समझ लीजिए आप। एक चीज आप स्पष्ट भाषा में बोल सकते हैं कि 2018 से ये आपका 2022 चल रहा है, अब तक इन लोगों ने जो सही स्थान होना चाहिए इनको मिला नहीं, बाकी उसकी इन्होंने लड़ाई लड़ी कोर्ट से, इनको आदेश भी मिल गया इनको उचित स्थान दिया जाए, लेकिन अभी तक विभाग के लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा इनके लोग परेशान हैं, तभी से अब सरकार से या विभाग के लोगों से क्या बोलना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो सचिव साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने हमारी लिस्ट निकाल दी, बस अब उनसे हमारी इतनी रिक्वेस्ट है कि वो हमको रिलीविंग दे दें, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते हैं। उनका हम सहृदय उनका धन्यवाद करना चाहेंगे अगर वो हमारी रिलीविंग कर देते हैं तो, क्योंकि ये भी काम उन्होंने किया हमारे लिए, हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, हम इस बात से खुश हैं, बट ये इतनी ज्यादा अगर न्याय देर से मिले तो वो न्याय नहीं रह जाता। मैं पहले बता चुका हूँ सभी लोग टीचर हैं और ये अपनी बात कितनी शांति प्रिय तरीके से रख रहे हैं, तो विभाग को भी इनकी बात सुनना चाहिए, क्योंकि 20 दिन से यही है फिर भी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ संभावना मिली है। अधिकार है, हम कोई इलीगल मांग नहीं कर रहे हैं, गलती उनसे हुई थी, हम लोगों से गलतियां नहीं हुई थी, गलती उनसे हुई थी, उन्होंने अपनी गलती सुधार दी है तो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाह रहे, क्यों नहीं जल्दी से जल्दी हम लोग अपनी गलतियां सुधार के इस मैटर को खत्म करना चाह रहे हैं। कल आप मंत्री जी से मिली थी, क्या बोले वो?
मंत्री जी का रवैया सकारात्मक था, उन्होंने कहा था कि जल्द से दिशा निर्देश जारी होंगे, पर वो जल्द कब होगा ये हम लोगों को नहीं पता, कोई भी हमें तिथि नहीं दी गई है, कुछ भी। चलिए एक दो लोगों से मैं और बात कर लूं, दूर खड़ी हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश है। कहाँ से आई हैं? मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। क्या मांग है आप लोगों की? बस हमारी भी यही मांग है सर, इस सरकार जल्दी से जल्दी हमारी रिलीविंग करे सर। रिलीविंग करे, जल्द से जल्द रिलीविंग करे। पंकज सिंह जी, क्या समस्या है और क्या मांग है आप लोग की? जी पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये कोई धरना नहीं है जैसा आप लोग कह रहे हैं। ये लोग अपनी जायज मांग के लिए, जैसा कि सभी ने बताया कि 10 तारीख को 2908 लोगों की लिस्ट आई, कोर्ट के आदेश पे सचिव महोदय ने उस लिस्ट को जारी किया। यहाँ पे हम लोग से एक बार मिलना चाहते हैं और उनको एक धन्यवाद ज्ञापन भी कि आपने हमारी लिस्ट सर आप हम लोगों की रिलीविंग भी कर दीजिए। जैसा कि आज 21 दिन हो गया है लिस्ट आए हुए, अभी रिलीविंग नहीं हुई, तो हम लोगों की एक ही मांग है कि हम लोग को रिलीव कर दिया जाए। जिस जिले में हम अपने नए आवंटित जनपद में कार्यभार ग्रहण करें और जो भी शासन का और विभाग का मंशा उसके अनुरूप काम करें और विभाग की छवि को बढ़ाने में हम लोग अपना योगदान दें। हम जहां थे वहां भी योगदान दे रहे हैं। 4 साल से हम लोगों ने बिना कोई प्रोटेस्ट किए, बिना कोई धरना किए, न्यायपालिका के सहारे उसी उम्मीद पे लड़ते रहे और हमें न्याय मिला। सिंगल बेंच से मिला, डिवीजन बेंच से मिला, जिसमें चीफ जस्टिस भी हमारे शामिल थे। इवन आप मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट तक भी ये केस गया, वहां से भी खारिज हुआ। सबकी मोहर है, शासन की भी मोहर है। बस सचिव साहब से इतना निवेदन है कि हम लोगों की रिलीविंग कर दिया जाए और हम से जो हमारा नया जनपद आवंटित हुआ उसमें कार्यभार ग्रहण कर सकें। हम लोग गर्मियों की छुट्टी 20 के बाद आए हैं, इसमें करीब 8-10 दिन हम लोगों की छुट्टियां बर्बाद हो गई। इस गर्मी में 45 डिग्री में आप भी देख सकते हैं यहाँ रहना कितना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये धरना नहीं है, ये शांतपूर्ण तरीके से आप देख लीजिए। धरना होता है तो दूसरा लोग, लेकिन जो कह रहे हैं धरना नहीं है, शांतपूर्ण तरीके से हम लोग सचिव साहब से आपके माध्यम से कि ये बात पहुँचाई जाए, इन लोगों को परेशान ना, देखिए काफी महिलाएं आई हैं, इनको कार्यमुक्त किया जाए और इनके जनपद में दिया जाए। इसके लिए हम सब लोग फिर सचिव साहब का बहुत आभार व्यक्त करेंगे, लिस्ट निकालें उसके लिए बहुत बहुत उनका आभार है। लेकिन कार्यमुक्त करवाइए, आप चौथे स्तंभ में, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है। चलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से लास्ट में सीनियर अधिकारी और जो विभाग के जो मंत्री हैं उनसे ये निवेदन करूंगा, ये शांति प्रिय तरीके से अपनी बात को रखे हैं, ये लोग परेशान हैं इस समय, इनकी जगह इनका स्कूल होना चाहिए, ये वहाँ पर उपस्थित होते, बच्चों को शिक्षित करने का काम करते तो काफ़ी बेहतर होता है। लखनऊ में ये अपनी बात रखने के लिए अपना घर परिवार छोड़ कर आए हैं, वो गर्मी की छुट्टी भी इनकी लॉस जा रही है, तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इनकी सुनवाई हो और विभाग के लोग इन पर ध्यान दें ताकि ये कुशलपूर्वक अपने परिवार को लौटे और समय पर ये अपने विद्यालय पर पहुँचे और बच्चों को शिक्षित करने का काम करें, क्योंकि टीचर का एक अहम रोल होता है समाज को एक नई दिशा देने के लिए, समाज का भविष्य बनाने के लिए, और ये प्रदेश में बल्कि देश में इनका एक अहम रोल होता है। मैं कैमरामैन एजाज के साथ हरिकेश यादव अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।